Well, hello, folks. Welcome to another episode of Bollywood This Week. हम आवर अंसारी आप सभी लोगों का किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना के डे नंबर 8 के यानी कि उसके दूसरे हफ्ते के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बैड न्यूज कमिंग इन फॉर विक्रांत रोना। देखिए गाइस, विक्रांत रोना के पास ऑब्वियसली ये हफ्ता कॉम्पिटिशन के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सभी लोगों को पता है किस तरह से ब्रैड पिट की एक इंग्लिश फिल्म है जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई है, इंग्लिश में भी रिलीज हुई है, 2D में है, ऑल 2D स्क्रीन्स में, इसका नाम है बुलेट ट्रेन। उसके वजह से यहाँ पर विक्रांत रोना के जो हिंदी शोज है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर विक्रांत रोना को कितने शोज का नुकसान हुआ है। बात करूँ हिंदी वर्जन की तो मुंबई में कल 162 शोज थे, आज 129 शोज, यानी कि अच्छे खासे शोज जो है विक्रांत रोना के उसको यहाँ पर बुलेट ट्रेन जो है वो खा चुका है। इतना ही नहीं, मुंबई में कल एक बहुत ही बड़ी फिल्म दे धक्का 2 आ रही है जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म है। इसके कारणवश यहाँ पे विक्रांत रोना के और शोज चले जाएंगे एंड विक्रांत रोना के कन्नड़ा वर्जन में जितने भी शोज है बैंगलोर में या पूरे देश भर में उसको भी किन फिल्मों से नुकसान है, एपिसोड जब आगे बढ़ेगा तो और बात करेंगे। दिल्ली में 213 शोज से 164 शोज कर दिए हैं, पुणे में 86 से 77, कोलकाता में 96 से 55, सूरत में 42 से 33, जयपुर में 37 से 32 एंड लखनऊ में 50 से 42। ये आज थर्सडे का हाल है जब बुलेट ट्रेन आई है, कल जब और फिल्में आएगी तब इसे और नुकसान होगा। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली विक्रांत रोना पर बुलेट ट्रेन का क्या फर्क पड़ा है इन कर्नाटका। एंड कल गाइज दो और मेगा बजट फिल्में आ रही है, पहले तो दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर एंड रश्मिका मंदाना की फिल्म सीतारामम। यस फ्रेंड्स, सीतारामम बहुत सारे शोज जो है सिर्फ और सिर्फ एपी तेलंगाना में नहीं बल्कि कर्नाटक स्पेशली द हार्टलैंड बेंगलुरु से भी ले जाएंगे। इतना ही नहीं, कल कल्याण राम की फिल्म बिंबिसारा भी आ रही है जो कि यहाँ पर विक्रांत रोना के अच्छे खासे शोज ले जाएगा। तो अब विक्रांत रोना को लिमिटेड शोज में अच्छे कलेक्शन यहाँ पर कैसे भी करने हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे का पूर्ण तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इतना ही नहीं, इनकी तकलीफें बढ़ाने के लिए DC लीग ऑफ सुपर पेट्स ये बड़ी फिल्म भी यहाँ पर रिलीज होने वाली है इंग्लिश एंड सभी भाषाओं में 2D वर्जन में जो कल। तो कल विक्रांत रोना का शो काउंट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, कितने शोज वो खोता है। बात करूं आज की तो बुलेट ट्रेन के कारणवश कर्नाटका में बैंगलोर में 414 शोज थे, 412, आज 392, यानी कि आज से शोज गिरना चालू हो चुका है। हुगली में 25 में 21 शोज बचे हुए हैं अभी। यहां पे बात करूं मैंगलोर की, कल 20 था आज 19 है। बात करो मैसूर की, कल 39 था आज 37 है। एंड बात करो यहां पर कुंडापुरा की, कल 8 था आज 8 है। शिमोगा कल 17 था आज 15 है, यानी कि विक्रांत रोना के शोज अभी से गिरना जो है वो शुरू हो चुके हैं। एंड जितने शोज बचे हैं उनमें भी ऑक्यूपेंसी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रही है। कल ही मैंने आपको बताया किस तरह से कन्नड़ 2D वर्जन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, कल से शायद ज्यादा शोज भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो मेन शोज है यानी कि गिन के 392 शोज है उसमें इतने कलेक्शंस आना बहुत ही मुश्किल है गाइस। कल 392 से और कम हो जाएगा एंड फ्राइडे सैटरडे संडे लेट्स सी ये कितने करोड़ों में कमाता है, 2-3 उतना भी करना इतने कम शोज में बहुत ही कठिन होगा। बात करें गाइस कल की तो हमने कल प्रेडिक्शन किया था ये फिल्म कहीं ना कहीं अपने डे नंबर 7 पे 3.60 करोड़ की कमाई करेगी। एंड गाइस द कलेक्शन फॉर विक्रांत रोना ऑन इट्स 7th डे इज 3.56 करोड़। कर्नाटका में अब कलेक्शन गिर के सिर्फ 2 करोड़ आ गया है क्योंकि शोज ही इतने बचे हैं, इतने कम शोज पे इतने बड़े कलेक्शंस करना अब असंभव हो जाएगा। कल ऑब्वियसली वीकेंड्स है, वापस से टिकट प्राइसेस विल बी बैक तो शोज ज्यादा हो जाएंगे एंड जितने शोज है उसमें कलेक्शंस करने की संभावना है। लेकिन 7th डे विक्रांत रोना फेल वेरी बैड एंड सिर्फ 2 करोड़ कमाए कर्नाटका में। बात करूं एपी तेलंगाना, वहां फिल्म एक अलग पेस पे चल रही है, बहुत जबरदस्त चल रही है, 60 लाख की कमाई की है, मोर देन द हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन ने कल 52 लाख की कमाई की है। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल प्रोड्यूसर्स जो है हिंदी वर्जन में कलेक्शंस जो है वो भेजेंगे तो काफी एक्साइटिंग होगा देखने के लिए। बात करो तमिलनाडु 22 लाख एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख, यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म ने 3.54 से लेकर 3.56 करोड़ की जो है वो कमाई की है। इसी के साथ विक्रांत रोना एंड्स इट्स फर्स्ट वीक ऑन 80.19 करोड़, यानी कि 80.19 करोड़ इसने कमा लिया है कर्नाटका में, यानी कि कन्नड़ा वर्जन जो है वो 53.2 करोड़ पर जाकर रुका है। एंड बात करूं हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन ने पहले हफ्ते 7.75 करोड़, यस फ्रेंड्स 7.75 करोड़ जो है वो कमा लिया है। आइडियली आज भेजना चाहिए था लेकिन कल इसके हिंदी वर्जन में कलेक्शन जो है 7 नहीं 8 दिनों के आएंगे। तो आज गाइस बात करते हैं हम लोग वीक 2
तो आज दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है विक्रांत रोना के लिए एंड शुरुआत जो है वो बहुत ही निराशाजनक रही है विक्रांत रोना के लिए। बात करूंगा इस कनाडा 2D की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 2%, आफ्टरनून 3%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 4.5%, यानी कि इट्स कंप्लीट गेम ओवर फॉर द 2D वर्जन ऑफ विक्रांत रोना। बैंगलोर में 167 शोज में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 4% है, हुबली में 5 शोज में 4% है। बात करूंगा यहाँ पे काला बुरागी की, 7 शोज में 3% ऑक्यूपेंसी है। बेलगाम में यहाँ पर सिर्फ 4 शोज है। बात करो मैसूर की, ओनली 2% ऑक्यूपेंसी 24 शोज, यानी कि अब कनाडा 2D वर्जन जो है उसको ज्यादा ऑक्यूपेंसी मिलने नहीं वाली। इतना ही नहीं, यहाँ पे 3D वर्जन जो भी है वो भी इसी तरह से चल रहा है। मॉर्निंग ओनली 6%, आफ्टरनून 8% एंड इवनिंग अभी थोड़ा बढ़कर 9% हुआ है। बात करो बैंगलोर की, 392 शोज में ओनली 6% ऑक्यूपेंसी। हुबली में 21 शोज में ओनली 11%, मैंगलोर में ओनली 1% ऑक्यूपेंसी है, 19 शोज है। बात करो गाइस यहाँ पर काला बुरागी की, तो गाइस 17 शोज में 21% है, तो काफी अच्छा है। बेलगाम की बात करूं, 14 शोज में 4% है, मैसूर में 8, शिमोगा में 3, कुंदापुरा में 6, मणिपाल में 3, सारी जगह निराशाजनक ऑक्यूपेंसी है। टुमकुर में सिर्फ 7 शोज में 40% ऑक्यूपेंसी है, यानी कि जो मेन सेंटर था जहां पे इसमें कलेक्शन आ रहे थे वो भी अब आस्ते आस्ते समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है इन द सेकेंड वीक। कल से जैसे मैंने आपको कहा बिंबिसारा एंड सीतारामम, ये दो फिल्में इसके और शोज जो है यहाँ पर ले जाएगी, जो कि इसे काफी ज्यादा नुकसान होगा। बात करूँ गाइस यहाँ पर हिंदी 3D के शोज की, तो अब गिनती के जो शोज है बचे हैं, जहाँ पर मॉर्निंग में 9, आफ्टरनून में 7 एंड इवनिंग में 9.5% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, मुंबई में ओनली 129 शोज है। अब 129 शोज में कलेक्शंस करना बहुत ही कठिन होगा एंड कल दे धक्का 2 आ रही है एंड बहुत सारी फिल्में आ रही है, तो शोज और कम हो जाएंगे एंड ऑक्यूपेंसी भी कुछ खासा नहीं है, सिर्फ 11% की है। दिल्ली NCR की बात करूं, 164 शोज में 7%, पुणे में इस गिन के 70 शोज बचे हैं, बैंगलोर में 18 शोज है, हैदराबाद में 19 शोज में 9% की ऑक्यूपेंसी है, कोलकाता में 55 शोज है लेकिन 5% ऑक्यूपेंसी है, सूरत में 33 शोज में 8% है, जयपुर में 32 शोज में 6% है, चंडीगढ़ में 5, भोपाल में 4 एंड द हिंदी 3D वर्जन ऑल्सो हैज फॉलन एंड फॉलन वेरी बैड। ऐसा लग रहा है कल यानी कि आज का जो दिन है वहां पे ये कर्नाटका में सिर्फ 1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करेगी, विच इज अ वेरी बैड नंबर। सिर्फ 1.5 करोड़ पे आकर गिर गई है विक्रांत रोना एंड हिंदी वर्जन केवल 40 लाख की कमाएगा, यानी कि पूरे इंडिया में अगर मैं AP, तेलंगाना, तमिलनाडु, रेस्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटका एंड इसके हिंदी वर्जन ले लूं तो ये गाइस कैसे भी कराकर बस 3 करोड़ मात्र कमाने वाला है अपने 8वें दिन पर। एंड ऐसा हुआ देन गाइस इसके 8 दिनों के टोटल जो होंगे वो होगा 83.19 करोड़, यानी कि 83.19 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि लास्ट 3 दिन होंगे जब विक्रांत रोना सबसे ज्यादा कमाई करेगा, क्योंकि मंडे से वापस से जो वीकडेज आएंगे वहां पे फिल्म पूरी तरह से गिरेगी। लेट्स सी गाइस क्या होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सो पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर की सब्सक्राइब कीजिए, आज के शो का नंबर्स याद रखिए, कल विक्रांत रोना के और शोज गिरेंगे तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। मैं आवरण साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से